गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन रहेगा IBPS क्लर्क मेंस 2019 के लिए। अब फ्यूचर में अगर कोई भी मेंस का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, उसके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज एक अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हम डिस्कस करेंगे। इसको एग्जैक्टली कैटेगराइज करना कोडिंग डिकोडिंग पे फेयर नहीं रहेगा, इसमें कई एलिमेंट्स आ रहे हैं। नंबर्स के एलिमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग के एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी आप सवाल देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, थोड़ा सा अलग है। इस तरह के सवाल आपको मेंस में ही दिखाई देने वाले हैं, प्री में कभी नहीं दिखाई देंगे, इसलिए मैंने लिखा है ये पहले नहीं देखा होगा। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस टाइप को देखा होगा, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन जनरल ये टाइप से आप इनकाउंटर नहीं करते हैं। तो आपके लिए एक सेट मैं लेकर आया हूँ। अब देखो, ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, LIC असिस्टेंट मेंस के बाद आप वीडियोज़ को उतने चाव के साथ, उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, एक दो दिन लग जाते हैं फिर से माइंड को रीसेट करने में, रीफ्रेम करने में। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी मत लीजिए, अब टाइम आ चुका है वापस प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक लाने के लिए। जितने भी हमारे IBPS क्लर्क मेंस के बंधु हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए थे LIC असिस्टेंट मेंस से पहले भी, अब फिर से जुड़ जाइए। आपके लिए डेली आपके लिए दोस्तों सेशन लाए जा रहे हैं। क्वांट का जस्ट अभी कुछ समय पहले डला, अब रीजनिंग का आज का सेशन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ज़्यादा डेज भी ऑफ मत लीजिए और प्रिपरेशन को फिर से ट्रैक पर ले आइए, ठीक है। तो चलिए, आज का सवाल आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सबसे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, क्योंकि जब सवाल आएगा तब उस स्क्रीनशॉट से आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब यही सवाल मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा, जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्वेस्ट है जितने भी इंग्लिश के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट रखिए। अब सवाल क्या है, एक मिनट, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये एक बार पढ़ते हैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी फिजिक्स बुक्स विल बी देयर इन द शेल्फ एट द एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो एक बार सबसे पहले अरेंजमेंट से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि क्या दिया हुआ है। तो सर, यहाँ पर आपको कई नंबर दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से यहाँ पर एक्चुअल में दिया क्या गया है, ये देखना ज़रूरी है। सर, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और नीचे फिर आपको कंडीशंस दी गई हैं। तो अब एकदम सही समय है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो लेके रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इन सारी कंडीशंस का क्या मतलब है। अ गर्ल इज आस्क्ड टू पुट अ केमिस्ट्री बुक इन द लाइब्रेरी शेल्फ व्हेन नंबर टू अपीयर्ड। अगर नंबर, जैसे ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, 2, 8, 7, इस प्रकार नंबर्स आएंगे और जो भी नंबर आएंगे वो एक्टिविटी आपको कंडक्ट करनी है, वो एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। तो जैसे कि दो नंबर आया तो आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का बुक शेल्फ में रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, गर्ल इज आस्क्ड टू ए फिजिक्स बुक इन द लाइब्रेरी व्हेन नंबर 5 अपीयर्ड। अब जब नंबर 5 जब आएगा तब फिजिक्स की बुक लाइब्रेरी शेल्फ में रखी जाएगी। चलिए, अब अगली कंडीशन क्या है, गर्ल इज आस्क्ड टू पुट ए मैथ्स बुक इन द लाइब्रेरी शेल्फ व्हेन नंबर 7 अपीयर्ड। अब इसी सीरीज में जब नंबर 7 आएगा तब आपको क्या करना है, मैथ्स की बुक शेल्फ में रखनी है। चलिए, अगली कंडीशन, अ गर्ल इज आस्क्ड टू टुक आउट वन केमिस्ट्री बुक एंड वन मैथ्स बुक फ्रॉम लाइब्रेरी शेल्फ व्हेन नंबर 1 अपीयर्ड। अब सर, यहां पर दो एक्टिविटी है, या तो बुक रखी जाएगी या फिर शेल्फ से बुक निकाली जाएगी, या तो रखी जाएगी या निकाली जाएगी। तो अभी तक जितने भी नंबर्स थे, कौन कौन से, 2, 5 और 7, इन सभी में क्या थी, शेल्फ में बुक रखी जा रही थी। अब आपके पास अगर नंबर 1 आपके सामने अपीयर हो रहा है तब आप उस शेल्फ से बुक निकाल लेंगे, कौन सी, केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों की एक एक बुक आप वहां से निकाल लेंगे। अब यहीं पर अगर 8 नंबर 8 अपीयर होता है तो आप फिजिक्स की बुक क्या करेंगे, निकालेंगे, और मैथ्स की बुक क्या है, रख देंगे। देखिए, दो चीजें हो रही है, निकालने और रखने दोनों की, पर दोनों अलग अलग टाइप के बुक्स। फिजिक्स की बुक तो आप निकाल रहे हैं और मैथ्स की बुक आप रख रहे हैं जब 8 नंबर अपीयर हो। तो आई होप सभी के क्लियर है नंबर अपीयर होने से एक्टिविटी का क्या रिलेशन है, क्या आपको अगर ये नंबर अपीयर होता है तो क्या करना है। आई होप सभी के क्लियर है, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। एक बार सवाल फिर से देखते हैं, हाउ मैनी फिजिक्स बुक्स
विल बी देयर इन द शेल्फ एट द एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ऊपर जो अरेंजमेंट, जो सीरीज, जो नंबर सीरीज आपको दे रखी है, ये सारे नंबर बारी बारी से अपियर होने के बाद, ये सभी के सभी जब अरेंजमेंट पूरी हो जाएगी, सारे नंबर अपियर हो जाएंगे, तो उसके बाद शेल्फ में कितनी फिजिक्स की बुक्स रहेंगी। तो सर आप ये नोट कीजिए सबसे पहले कौन कौन से नंबर का फिजिक्स के बुक से रिलेशन है। तो मैं कौन कौन सी कंडीशन की बात करूंगा, यहाँ कंडीशन नंबर 4, सॉरी कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 5 पे देखिए, मतलब टू बी प्रिसाइज नंबर 5, जब नंबर 5 आ रहा है तब आप फिजिक्स की बुक रख रहे हैं तो +1 हो रहा है, और जब आपके पास नंबर 8 आ रहा है तब आप फिजिक्स की बुक बाहर निकाल रहे हैं तो -1 हो रहा है। क्लियर बात है? जितनी बार 5 नंबर अपीयर होगा फिजिक्स की बुक के कोटे में, फिजिक्स की बुक में एक काउंट हो जाएगा, और जितनी बार 8 अपीयर होगा उतनी बार फिजिक्स की एक बुक बाहर निकल जाएगी तो -1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अरेंजमेंट में देख लीजिए कितनी बार 5 और कितनी बार 8 अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले 5 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार 5 अपीयर हुआ है तो 8 बार आपकी बुक फिजिक्स की रखी जाएगी, तो 8 फिजिक्स की बुक्स तो आ गई। पर सर अब फिजिक्स की बुक निकाली भी जाएगी वो कैसे पता चलेगा, सर 8 कितनी बार अपीयर हो रहा है, तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार अपीयर हुआ, 6 बार अपीयर हुआ, तो क्या कर दीजिए, -6 कर दीजिए। तो 8 में से अगर जब आप -6 करेंगे तो आपके पास फाइनल फिजिक्स की बुक्स कितनी बचेगी, 2। तो अरेंजमेंट के एंड में कितनी फिजिक्स की बुक बची है आपके पास, 2 फिजिक्स की बुक बची है, तो ऑप्शन सी आपके पास आंसर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है या नहीं, इजी है पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है? अब यही सवाल जैसे सेकंड पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना समझ आया हमें। हाउ मेनी केमिस्ट्री बुक्स विल बी देयर इन द शेल्फ एट द एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अब यही सवाल केमिस्ट्री के लिए पूछा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से केमिस्ट्री से इंटरेस्टेड नंबर्स हैं। तो एक तो नंबर 2 है, नंबर 2 है जिसमें केमिस्ट्री की बुक रखी जा रही है, और एक आपका नंबर 1 है जहां पर केमिस्ट्री की बुक क्या है निकाली जा रही है। तो गिन लीजिए कितनी बार 2 है और कितनी बार 1 है। सबसे पहले 2 गिन लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार है, तो 8 × 1 8 तो आपकी केमिस्ट्री की बुक्स रखी गई। अब कितनी निकाली गई ये भी तो गिनेंगे, तो 1 से पता चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 निकाली गई। तो 7 × -1 करोगे, -7 आ जाएगा, 8 रखी गई और 7 निकाली गई, तो पीछे कितनी केमिस्ट्री की बुक बची है, सर सिर्फ 1 केमिस्ट्री की बुक बची है, तो ऑप्शन डी 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब बारी है यही सवाल मैथ्स के बुक्स के लिए सॉल्व करने के लिए, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमने लिख दी है तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं। चलिए मैथ्स के बुक्स के लिए फोकस करते हैं। अब सर मैथ्स का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, एक तो 7 में इंटरेस्ट है, 7 नंबर जब आएगा तब आप बुक्स रखोगे शेल्फ के अंदर। अब सर जब कौन सा नंबर आएगा, नंबर 1 जब आपका पेयर होगा तब आप क्या करोगे, मैथ्स की बुक निकालोगे। अब सर यहां पर एक नंबर और इंटरेस्टेड है मैथ्स में, जब नंबर 8 अपीयर होता है, 1 नहीं 8, 8, 8 जब अपीयर होता है फिजिक्स की बुक तो बाहर निकाली जाती है पर मैथ्स की बुक अंदर रखी जाती है, तो सर 8 नंबर से भी आपको +1 मिलने वाला है। तो सबसे पहले 7 गिन दीजिए, कितने 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं, तो 7 × 1 कितने आ गए, 7, 7 तो बुक्स आ गई। अब कितनी निकाली गई एक नंबर के थ्रू, ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 निकाली गई थी, तो 7 × -1 किया कितना आ गया, -7 आ गया। पर सर इस 8 को मत भूल जाइएगा, 8 कितनी बार आया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आया था, तो सर 6 × +1 करना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपके पास +6 आ जाएगा, ये -7 -7 तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 6, तो 6 मैथ्स की बुक शेल्फ के अंदर रखी जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, यहाँ पर आंसर होगा। तो सीक्वेंस कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर इसको बोला जाता है, टू बी एग्जैक्ट इसका जो नाम रहता है
सॉरी, इसका नाम रहता है सीक्वेंस कोडिंग डिकोडिंग, जो मेंस में ही पूछी जाती है, प्री में आपसे नहीं पूछा जाता है ये। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी है कि सीक्वेंस कोडिंग डिकोडिंग ही पूछा जाए, हो सकता है जो आपके जो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग रहती है, चाइनीज़ नहीं, चाइनीज़ में तो स्टैंडर्ड रहता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें सिंबल्स भी रहते हैं, लेटर्स भी, नंबर्स भी रहती है, जो जनरली मेंस में पूछी जाती है, हो सकता है वो पूछी जाए, पर हमें तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, तो इसलिए आपके लिए एक छोटा सा ये सेट लेकर आया था, जिससे तैयारी फिर से ट्रैक पर ले आइए, ट्रैक पे फिर से तैयारी को ले आइए। थोड़ा सा इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कम है, LIC असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम हुए हुए अभी हो चुके हैं कुछ दिन, अब टाइम हो चुका है कि आप फिर से तैयारी ट्रैक पे ले आइए, उसी एंथुजियाज़म के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी लगन के साथ कंटिन्यू करिए तैयारी, अभी भी टाइम बचा है, ठीक है। अब अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लस RBI असिस्टेंट के लिए भी सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, सर ने ऑलरेडी क्वांट का प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिया है, और कल आपको रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर पेपर मैम डिस्कस करेंगी, तो उसका भी पूरा का पूरा पेपर आज नहीं तो कल ज़रूर अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे RBI असिस्टेंट का सोच रहे हैं कि नहीं फॉर्म भरना चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस ड्यूरेशन में और कोई एग्ज़ाम आपको नहीं मिलने वाला, SBI PU का आएगा, वो भी देखिए, आप सभी जानते हो, अप्रैल मई में जाकर, मई में जाके अप्रैल एंड या मई में जाकर आपका एग्ज़ाम होता है, मई में जाके मोस्ट प्रोबेबली, तो उतने टाइम तक क्या कुछ नहीं करोगे क्या? इससे बढ़िया साथ में RBI असिस्टेंट की तैयारी करो। चलो कोई बात नहीं, कल कम आपके अगर कम वैकेंसीज है तो क्या हुआ, ट्राई करने में क्या जाता है यार, ये वैकेंसी भी इंसान ही भरेंगे, स्टूडेंट्स ही भरेंगे। हाँ भाई, पुराने जो एम्प्लॉय पहले से बैठे हैं वो थोड़ा ना भरने वाले हैं, आप लोगों में से कोई भरने वाला है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में और कुछ नहीं है आपके पास, बता देता हूँ मैं, तो RBI असिस्टेंट का चुपचाप फॉर्म भर देना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किसी और स्टेट में जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, जहाँ पर जो लैंग्वेज LPT की मांगी है वो आपको आती है, वहाँ से भरना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो आपकी चॉइस है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप 100% अपने स्टेट से, कईयों के क्या है कि एक दो वैकेंसीज अगर उनके कैटेगरी में उनके स्टेट में जाके देखें तो बाकी जगह से लगाइए फॉर्म, कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ की लैंग्वेज आपको ज़रूर आती हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट में बहुत देख रहा हूँ ये चीज़, बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि सर हम क्यों भरेंगे, हम क्या भरेंगे, तो नहीं भरोगे तो क्या करोगे ये तो बताओ मुझे, क्यों नहीं भरोगे, लोग ही क्वालिफाई करने वाले हैं, स्टूडेंट ही तो क्वालिफाई करेंगे आप में से ही, तो तैयारी करो यार उस लेवल की, और वैसे भी और कोई अपॉर्चुनिटी आपके इस दौरान है नहीं, LIC असिस्टेंट मेंस का हो चुका है, जो क्लर्क मेंस के दे रहे हैं ठीक है वो तैयारी कर रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लर्क मेंस की नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करें, अरे यार RBI असिस्टेंट से तैयारी को ट्रैक में लाओ, प्रिपरेशन का फ्लो बनाओ, यही प्रिपरेशन का फ्लो आगे जाके SBI PU का जब एग्जाम होगा वहां पर काम आएगा, इसमें क्लियर हो ना हो वहां पर जरूर आपके फायदा होगा, क्यों नहीं क्लियर होगा, असिस्टेंट प्री तो एटलीस्ट क्लियर करोगे करोगे, उससे एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर मेंस के लिए, फिर मेंस जब आएगा तो अपने आप ऐसे कॉन्फिडेंस होगा, सिर्फ एक ही लेवल सर बचा है, इसको क्लियर कर लिया तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऑल दो LPT उसके बाद बचता है, मेडिकल वगैरह, पर वो जस्ट फॉर्मेलिटीज रहती है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे एक वैकेंसी हो चाहे आधी हो चाहे कुछ भी ना हो, फॉर्म जरूर भरना है, मतलब कुछ भी ना हो ये तो ऐसे बोलने की बात है, पर एक दो वैकेंसी है तो भी मिस नहीं करना है आपको, फॉर्म जरूर भरना है। और आपको लग रहा है सर एक दो सही नहीं है, तो जहाँ पर एक दो से ज़्यादा हो, 7, 8, 10, 15, 20 हो, वहाँ से लगा लीजिए फॉर्म, अरे लगाइए तो सही, इस दौरान और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये जो मौका है इसको मत छोड़िएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट नाइट।